एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी नोट्स एजुकेशन। आज है 9 अक्टूबर और आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी नोट्स एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में पोस्ट पे के लॉन्च के साथ बाय नाउ पे लेटर श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की है? तो इसका आंसर है भारत पे। आज के समय में देश में डिजिटल पेमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिला है। अब ज़्यादातर लोग डिजिटल लेन देन में तेज हो गए हैं। इसी सिलसिले में डिजिटल ट्रांजेक्शन फर्म भारत पे ने अपने कारोबार के दायरे को बढ़ाने के लिए नई क्रेडिट स्कीम लॉन्च की है। इस क्रेडिट स्कीम का नाम पोस्ट पे है। इसे बाय नाउ और पे लेटर के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में फाइनल किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने बुधवार को ISSF विश्व कप की पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो इसका आंसर है 17.2%। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने FY 2020 में GDP ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है, यह 9.5% पर बरकरार रहेगी। RBI ने जुलाई सितंबर 2021 के लिए 7.9%, अक्टूबर दिसंबर 2021 के लिए 6.8% और जनवरी मार्च 2022 के लिए 6.1% किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के CMD मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में लगातार 14वें साल सबसे अमीर शख्स के तौर पर शुमार किए गए हैं। फोर्ब्स रिच लिस्ट 2021 के अनुसार देश में अमीरों में मुकेश अंबानी 6.19 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति के साथ टॉप पर बने हुए हैं। फोर्ब्स के अनुसार पिछले एक साल से उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर है 8.7%। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया है। हालांकि उसने अगले वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 10% किया है। फिच के अनुसार मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को जून में बताए गए 10% से 8.7% तक कम कर दिया है। ऐसा कोविड महामारी की गंभीर दूसरी लहर के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर है अंशु मलिक। 19 साल की अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली 5वीं महिला पहलवान हैं। उनसे पहले भारत की 4 महिला पहलवान विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रही हैं, जिनमें से गीता फोगाट और बबीता फोगाट है, जिन्होंने 2012 में कांस्य पदक जीता था, पूजा डांडा जो 2018 में जीती थी, और विनेश फोगाट जो 2019 में कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायु सेना दिवस यानी इंडियन एयर फोर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। भारत हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाता है। यह दिवस आधिकारिक रूप से एवं सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी संगठन में भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना दिवस आयोजित समारोह में सबसे महत्वपूर्ण पुराने विमानों का शानदार प्रदर्शन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री PL हरनाद ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट।
वर्ष 1994 बैच के एक IRTS अधिकारी श्री PL हरनाद ने हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। श्री PL हरनाद ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से MSc तथा PhD की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने 27 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे में 22 साल और 5 वर्ष जहाज रानी मंत्रालय में कार्य किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार कौन से वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है तीसरा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विश्व के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट्स की लिस्ट हर वर्ष जारी करता है, जबकि इस वर्ष रैंकिंग में जापान और सिंगापुर के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स हैं। साथ ही दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बताती चलूँ, रोज शाम को 6 बजे हम आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्टडी नोट्स एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। थैंक यू।